ठीक है। ESPL अगर तुम देखते होंगे, ये देखो ये है आपके गिल, गिल के बारे में तो पूछ रहे थे भाई कहाँ पर है। सुबह से भाई मुझे मैसेज आ रहे थे भाई कई गेम्स, भाई गिल भाई का क्या चल रहा है, गिल भाई कहाँ है, खेल रहे हैं कि नहीं, क्या कर रहे हैं। तो भाई गिल अभी के लिए मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, INS के साथ वो खेल रहे हैं, ठीक है। टीम INS जो आपको पता है, INS जोकर वाली जो टीम है उसके साथ वो खेल रहे हैं, और एक जबरदस्त भाई 1v4। हाँ आज नहीं क्या, आज है ना जोनाथन बाबू, आज है। ट्रायआउट का नहीं पता ब्रो, ट्रायआउट का नहीं पता, कुछ इन्फो आएगी तो मैं जरूर बता दूंगा आप लोगों को। तो डेफिनेटली यहां पर एक पुश आ सकता है जिस चीज की हम बात कर रहे थे कि बीआरटी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गेल नाम का ये खिलाड़ी भाई ये लगातार 1v4 मारा है भाई। गेल एकत्र करते हुए एंड टिपिकल स्टाइल ऑफ गेल का, तो यहां पे मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा चांस बनाना चाहिए। बट गेल एक बार फिर से वीआरटी के शिकारी का शिकार करते हुए ग्रेविटी ने जोकर को डाउन करके एक ट्रेड निकाला है। भाई दारमदार एक बार फिर से गेल पर एंड, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे गेल एक क्लच की ओर बढ़ रहे हैं। ये एक बढ़िया डिसाइडिंग मूव हो सकता है जो आइनस के फेवर में देखो जाएगा। फुल एक्सपीरियंस का फायदा उठा रहा है। ग्रेनेड देखा तुमने, ग्रेनेड देखा तुमने, 1v4 निकाले बंदे ने, तो है बंदे में क्षमता है। बट अभी क्या लग रहा है, लाइक गॉडल से गॉडल में, क्योंकि ऑलरेडी भाई 4-man रोस्टर चल रहा है, ऊपर से क्लच गॉड भी अवेलेबल है, तो गिल को लग रहा था भाई कि लाइक अभी के लिए तो मुश्किल ही लग रहा है, तो इस बेटर की कहीं और जगह कोशिश करते हैं। और मुझे लग रहा है भाई INS के साथ अच्छा खासा बैठ रहा है, अच्छा खासा बैठ रहा है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम नहीं देख रहा इससे पहले। मैं कुछ काफ़ी जैसे स्ट्रीमर शोडाउन, जैसे आप लोगों ने पता होगा थ्रस्ट ई-स्पोर्ट्स का, वहां पर भी INS की टीम खेल रही थी, जोकर की टीम खेल रही थी, तो उधर भी भाई गिल की टीम बेहतर परफॉर्म कर रही थी।